सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 कितने लोगों ने ट्राई की? किया ट्राई, तो आप प्लीज अपने डाउट से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 2 में डाउट, 2 में पुरानी प्रॉब्लम है ये पहली शीट की, कि अगर कोई कार चलती है विद द वेलोसिटी ऑफ v1 और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब x/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, तो एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो अपनी शीट की प्रॉब्लम है, हैंड रिटन याद आ रहा है, x/2/v1 x/2/v2। इसे सॉल्व करके ये देखो शीट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड आंसर आएगा 2v1v2/v1+v2। वैसे एक बात बताऊँ, आप दोनों तो ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा 2v1v2/v1+v2 वाला, ठीक है? तो क्लियर है यहाँ तक, याद आ रहा है किया था हमने ये, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 हुआ एवरेज वेलोसिटी और इसका 3 हुआ, डाउट है 3 हो गया 3, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 में चलो ठीक है। तो कोई ड्रंकर्ड जो है वो वॉक करता है, देखो चलता है, कैसे चलता है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है। तो आप एक टेबल बना लो एक्स और टी का, वो चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों का ग्राफ प्लॉट किया जाए। ग्राफ तो बाद में प्लॉट करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स देख लें। तो अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आप एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता, ये तो बात पक्की है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पहले 5 स्टेप आगे चलता है, तो चलो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5, समय एक स्टेप का 1 सेकेंड लगता है, तो टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड, क्लियर है। फिर वो 3 स्टेप पीछे आता है। अब सोचो कोई बंदा अगर 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप यार पीछे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2, और समय तो कभी माइनस होता नहीं, तो वो 3 और ऐड हो गया, 5 + 3 कितना हो गया समय 8। फिर 5 स्टेप आगे जाता है, तो 2 में 5 आया क्या, कितना हुआ 7। टाइम में 5 ऐड कर देंगे तो 13। 3 पीछे जाता है, 7 में से 3 गया तो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, समय में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 16। फिर 5 स्टेप आगे जाता है, 5 ऐड कर दो, 3 स्टेप पीछे आता है, 3 ऐड कर दो, तो टाइम में तो 5 3 5 3 ऐड ही करते जाओ, कभी 5 कभी 3 कभी 5 कभी 3, और डिस्प्लेसमेंट में अगर आगे जा रहा है तो 5 ऐड कर दो, पीछे आ रहा है तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते, तो कर दो। जब डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है, फिर अगला पॉइंट, जब टाइम 8 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 2 हो गई। ये देखो इसको प्लॉट कर रहा हूँ मैं, 5 5 है, 8 पे 2 है, 13 पे 7 है, 16 पे 4 है, 21 पे 9 है। तो ये टाइम एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने टाइम लिख लिए 5 8 13 16 21 जो टेबल में बनाए मैंने, और डिस्प्लेसमेंट में 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 है, फिर 8 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 है, फिर 13 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 7 है, फिर 16 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 है। प्लॉट कर दिया आंसर, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे, कभी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। क्लियर है यहाँ तक ग्राफ? मेन तो कोऑर्डिनेट्स से, कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करने हैं समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, आपको इस चैप्टर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, मुश्किल लग सकता है आपको ये चैप्टर, ये वैसा चैप्टर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं फिजिक्स ऐसे चलेगी, फिजिक्स इससे आसान चलती है, लेकिन काइनेमेटिक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके। एक शीट में ऐसे 10 क्वेश्चन है तो 3 के करीब आपको लग सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप चिंता ना करो, ये हैबिट डाल लो, ये धीरे 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 करके आप सीखते जाओ, आपसे हो या ना हो आप उसकी टेंशन मत लो, एक दिन आपसे हो जाएंगे ये मेरी गारंटी है, ठीक? तो आप होमवर्क दे, तो इसमें मान दे, तो इसके अंदर क्या है कि आपको टाइम पेशेंस रखनी पड़ेगी, आप आराम आराम से काम करो। हाँ, अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तो 12 बजे का सेशन है यहाँ पे, 12 से 1:30 बजे का टाइम है, तो अगर करना चाहता है तो मैम करवाती हैं, मैंने बोला था ना वो मैम होती हैं, वो मैम का रोल आपको जल्दी समझ में आ नहीं रहा होगा, वो क्या करती हैं, यूनिट सर्टिफिकेट तो हम भी कर लेंगे, इसमें क्या है याद ही तो करना है फॉर्मूला, वो यही करवाती हैं कि भैया तुम्हें 10 10 क्वेश्चन रोज़ करवाएंगी, अगर वो 10 क्वेश्चन रोज़ करवाएंगी, 6 दिन क्लास है तो कितने हो गए 60, बस हफ्ते में चैप्टर तैयार, कुछ भी नहीं करना, 10 क्वेश्चन यहाँ करने हैं बस बैठ के,
क्योंकि जब स्टूडेंट खुद करता है ना उसको कॉन्फिडेंस आता है। जो घर पे कर सकते हैं वो घर पे ही करें, कंपल्शन नहीं है। जिनको घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं घर पे ही करें, लेकिन जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं यार घर पे हो नहीं रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो फिर 12:15 यहाँ पे आ जाएं, यहीं बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस कर लें। राइट, आपकी मर्ज़ी है, मतलब आपके ऊपर है ये। ठीक, जो घर पे कर रहे हैं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, घर पे करो। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन हुआ नहीं होगा, हुआ नहीं होगा मेरे को लगता है, नहीं ना, नहीं। ये ना एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से कर दिया बात अलग है, वो बात अलग है। कॉमन सेंस चल गई तो चल गई, नहीं चली तो फिर थोड़ा बड़ा ही कुछ रूल लगेगा इसमें, तो वेक्टर का रूल लगता है इसमें। तो इसके अंदर क्या है, एक ट्रेन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है एंड ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन जो है काम कर रही है। राइट, ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग है और 60 किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है, एक साइकिलिस्ट है वो बेचारा 6 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। दो केस हैं, ट्रेन साइकिलिस्ट को क्या करेगी, ओवरटेक। तो कितने समय में वो ट्रेन साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर जाएगी पूरी की पूरी, ये बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है, जब ट्रेन और साइकिलिस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, अब ट्रेन साइकिलिस्ट को कितनी देर में कवर करेगी, मतलब क्रॉस करेगी, सेम डायरेक्शन में कितनी देर में क्रॉस करेगी और ऑपोजिट में कितनी देर में क्रॉस करेगी। अच्छा, कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर सेम डायरेक्शन में दो बॉडीज चल रही हैं, कॉमन सेंस क्या कहती है, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ट्रेन जल्दी काम कब करेगी, क्रॉस किस केस में करेगी, ऑपोजिट कि सेम? ऑपोजिट में जल्दी क्रॉस कर जाएगी। नहीं, सेम। ठीक है, तुम एक काम करो, बाइक उठाओ, एक्टिवा, मैं भी उठाता हूँ एक्टिवा, तुम दौड़ाओ 60 की स्पीड पे, मैं दौड़ाता हूँ 70 की स्पीड पे, चलो भागते हैं। मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, समय लगाऊंगा, अच्छा चलो उल्टा करते हैं, तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ, चलो क्रॉस करते हैं 60-70 पे। आपको क्या लगता है कि कौन ओवरटेकिंग किस केस में जल्दी हो जाएगी, ऑपोजिट में ना, तो क्रॉस मतलब ऑपोजिट में ही। क्या ट्रेन में बैठे नहीं हो, ट्रेन में बैठो दूसरी ट्रेन क्या फटाक देके क्रॉस करती है, पता लगता है एकदम गोली की तरह जाती है, जाती नहीं है। और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो फिर कर लो सेम डायरेक्शन में, पता नहीं ओवरटेकिंग होनी है कि नहीं होनी। जब ट्रेन में बैठे होते हो, कार चल रही होती है हाईवे आपके साथ साथ, तो क्या वो घंटों घंटों साथ ही चलती रहती है, कहाँ है ओवरटेकिंग? तो सेम डायरेक्शन में तो ओवरटेकिंग करनी बड़ी मुश्किल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ओवरटेकिंग क्या करनी, वो तो क्रॉस ही करना है, खत्म कहानी, वो तो एक सेकंड, सेकंड क्या, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाना है, ऐसे ही होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको जो मैंने समझाया? देखो, फिजिक्स पहले कॉमन सेंस है, फिजिक्स बाद में है। तो ये समझ में आया कि किसमें समय ज़्यादा लगेगा, किसमें समय कम लगेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो टाइम होता है ना, वो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड होती है। जो टाइम है, डिस्टेंस को स्पीड से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, यूनिट्स कर सकती है, मैंने बात अलग है। जब ट्रेन और साइकिलिस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हम ये वेक्टर, एक चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट टाइम में भी स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट टाइम, तो उस वेक्टर चैप्टर में सिखाया जाता है कि जब दो बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड कर दी जाती है, और इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन तो उनकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कैसे हुआ यार, ये वेक्टर बताता है, डायरेक्शन से स्पीड ऐड सब्ट्रैक्ट मैटर करती है। इमेजिन करते हैं, सपोज करो आपका जो टाइम है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, मानते हो। पहले केस में जब ट्रेन एंड साइकिलिस्ट एक दूसरे के क्या रहे हैं, एक दूसरे एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पक्की बात है कि टाइम क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें, कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा। दूसरे केस में क्या बताया हमने, टाइम बहुत कम लगेगा क्रॉस करने में, तो वेलोसिटी यानी कि ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हम ये वेक्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर दो बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और आपको ओवरटेक करवाना है इसे, इसने इसको क्रॉस करवाना है, तो आप डिस्टेंस को किसकी स्पीड से डिवाइड करोगे, ट्रेन की स्पीड से कि साइक्लिस्ट की स्पीड से, दोनों की स्पीड से, दोनों की स्पीड को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस मैंने साइड पे किया, 60 में से 6 किया कितना आया 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आया 15 मीटर पर सेकंड, करेक्शन है यहाँ 15 मीटर पर सेकंड। राइट, तो ये आपके पास जो स्पीड होगी, देखो सिर्फ एक की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता,
साइक्लिस्ट की स्पीड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए ये 60 है, सोचो साइक्लिस्ट पे किस पे जा रहा है 60, बोलो कब ओवरटेक करेगी ट्रेन साइकिल वाले को? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर पाएगी। ओके मेरा मैथ्स का फॉर्मूला बोलता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला कराया, दोनों की स्पीड को क्या कर देना है माइनस। मैंने तो ये बताया जब दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जीरो, टाइम क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हाँ कभी नहीं, इन्फिनिटी को बोलते हैं कभी नहीं, बहुत टाइम लगेगा, लगेगा नहीं यानी हो नहीं पाएगा। आपने भी यही बोला 60 की स्पीड पे अगर दो बॉडीज मूव करती हैं तो कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक कर नहीं पाएंगी, राइट? मानते हो ये बात, 60 में तो कोई ओवरटेकिंग हो ही नहीं सकती ना, दोनों स्पीड अगर सेम करेंगी गाड़ियां तो ओवरटेकिंग कौन कर? ओवरटेकिंग आपने देखा है हाईवे पे आप रेस दबाते हो यार ओवरटेकिंग के लिए, खुद तो ना ओवरटेक होती है गाड़ी, तो बराबर स्पीड पे तो ओवरटेक नहीं हो सकती। तो ये ठीक है ना, दोनों को माइनस किया तो आपके सामने है। एंड अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उस केस में दोनों की स्पीड्स को क्या कर देना होता है, आपने ऐड करना होता है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया, ये मीटर पर सेकंड है प्लीज, तो आपके पास आंसर आएगा। ये अब ऐसा किया क्यों, एक लंबी स्टोरी है, ये किया क्यों का लंबी स्टोरी है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ऐसा दो, अब आप सोच रहे होंगे ना यार माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों किया, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया हुआ क्यों। आप फिलहाल के लिए चाहे ये क्वेश्चन को सिर्फ एक स्टेप को फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, वैसे मैं करवाता नहीं हूँ, सिर्फ ये वाला केस। आप सिर्फ तीन लेक्चर के बाद जिस दिन मैंने वेक्टर करवा दिए ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर एक ट्रेन इधर जा रही है ना और साइक्लिस्ट 30 डिग्री पे जा रहा है, उसकी ओवरटेकिंग प्रॉब्लम एक सेकंड में कर दोगे, ये तो फिर बेचारे कॉमन सेंस है, ऐसे और ऐसे जा रही हैं, मैं तो एंगल्स पे बोल रहा हूँ, उसका आंसर भी एक सेकंड में आ जाएगा। ऐसा फॉर्मूला बना के देगा आपको वेक्टर, एक फॉर्मूला में आंसर आएगा, ये फॉर्मूला वेक्टर बना के देगा। फिलहाल के लिए सिर्फ फॉर्मूला एक टेक्निक याद कर लो अभी, कि अगर दो बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन तो डिस्टेंस को उनकी स्पीड के सब्ट्रैक्शन से डिवाइड कर देना है, एंड इफ दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड्स को प्लस कर देना है, डन। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसके ऊपर और डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये डल गया मुझसे क्वेश्चन, इसमें डला भी क्या है, मैंने जान के डाला है, हटा भी सकता था। प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी हटा दूंगा ये अभी किसी ऑब्जेक्टिव शीट में फिर आ जाएगा, मैं यहाँ हटाऊंगा किसी किताब में पढ़ोगे फिर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे को एक ट्रिक तो बताना ही था, तो बस ट्रिक बताने के लिए मैंने डाल दिया, अदरवाइज मेरा मन नहीं था डालने का। मैं वेक्टर की शीट में इसको फिर से डालूंगा और फिर से करवा दूंगा, राइट? अभी काम चला वाला काम है, बस ये हमने कर लिया था, ये एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को डाउट है? ओके सांस को थोड़ा स्लो आराम से, तेज नहीं चलाना, एक सांस में क्वेश्चन नहीं पढ़ देना, ये कि बना कि बना कि बना कि बना कि बना, नहीं, आराम से क्वेश्चन आराम से होने हैं, राइट? तो क्वेश्चन कैसे होने हैं, ये आपके पास अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू इज इक्वल टू, देखो मेरा आपने टेक्निक देखी ली, डायग्राम के बिना मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ, उल्टा मैं तो दो दो रंग के डायग्राम यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न है मेरे को दिख जाता है ना, नीले रंग का मतलब कि एक लाइन है, लाल रंग का मतलब दिखता है कि यार ये चमक चमक के वेलोसिटी गिवन है, ठीक? तो ये आपको कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, ओके, एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक कार है और वो क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट है। स्पीड बढ़ाएगी, इसका मतलब यही हुआ स्पीड बढ़ेगी कितनी देर के लिए, फॉर 10 सेकेंड, ये लो 10 सेकेंड के स्पीड बढ़ गई, 10 सेकेंड के लिए स्पीड बढ़ गई आगे टू अ वेलोसिटी ऑफ 8, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 8, रेस्ट से स्टार्ट हुई 8 की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन हो गई, राइट? आगे इफ देन इट रन्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी 8 8 8 8 क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट 8 तो कर ही गया, रेस दे गया, उसके बाद उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, 8 8 8 8 चलता रहा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलता रहा, उसके बाद ब्रॉट टू रेस्ट, अब कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, उसके बाद उसने ब्रेक दबा दी और अपनी स्पीड को स्लो किया, स्लो स्लो करते करते किस पे आ गया, रेस्ट पे, तो विद 64 मीटर, तो जब उसने ब्रेक दबाई और रेस्ट पे आया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 64। तो ये क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? तो 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट किया, 8 की स्पीड एक्वायर की, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए चला कुछ देर के लिए,
फिर ब्रेक अप्लाई की और फिर रेस्ट पे आ गया। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। और टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी का कितना है? 584। तो टोटल जर्नी कितनी है? 584। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। फाइंड एक्सेलरेशन बहुत आसान है। यू पता है, ए बी पोर्शन में लो, यू पता है, वी पता है, टाइम पता है, तो अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह 8, यू की जगह 0, टी की जगह 10, ए आ गया, एक आंसर 0.8 आ गया। डन, क्लियर? ठीक है। इस चैप्टर की खास बात, डायग्राम बढ़िया बनाओ, काम साफ सुथरा हो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर इक्वेशनों पे इक्वेशनें लिखनी शुरू कर दी ना और खुद घूमना स्टार्ट हो गए तो गए, होता 99% यही है। ऐसा गंद डाल देते हो ना कॉपी के ऊपर, कैलकुलेशन का उसका, समझ नहीं आता हुआ क्या। मेरे साथ भी होता है यही, तभी तो मैं आप बहुत ध्यान से देखा ए बी पोर्शन के नीचे ए बी की क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं लिख रहा यहाँ से यहाँ लिख लो कन्फ्यूज हो जाऊँगा, ए बी को ए बी में लिख लिया मैंने। उसके बाद ए से लेके बी तक ही अप्लाई करो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, एक्सेलेरेशन 0.8 है और टाइम इसमें 10 है, तो आंसर 40 मीटर। ये भी क्लियर है? तो 40 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या ये स्टेप क्लियर है? 40 मीटर लिख लिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 584। ये कितना है? 40। ये कितना है? 64। तो ये कितना है? 584 माइनस 40 माइनस 64। अब यहां पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कितनी? कितनी? 8। 8 से तो पहुंच गया था, 8 8 8 8 8। 8 की बाद ब्रेक अप्लाई की उसने, तो 8। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या लगती है? एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस आपको पता है 584 माइनस 10 माइनस 64, वेलोसिटी कितनी है इसमें? 8, और टाइम क्या है? टी। सॉल्व करके टाइम आ गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी देर के लिए चली? 60 सेकंड के लिए चली। ये भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। उसके बाद पोर्शन सी डी ले लिया, सी डी में अप्लाई किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 8, क्योंकि देखो इस जर्नी के लिए ये इनिशियल और ये फाइनल है। डिस्टेंस कितना है? 64। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू, रिटार्डेशन यहाँ पर क्या होगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में क्या निकाल लिया? a निकाल लिया, जो कि कितना आया? माइनस 0.5। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 0.5 क्लियर है? रिटार्डेशन समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, आगे। अब इसमें इसी जर्नी में अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में फाइनल वेलोसिटी क्या? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या? 8। एक्सेलेरेशन क्या? माइनस 0.5। तो क्या आ गया? टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया? 16। राइट, तो उसने पूछा पूरी जर्नी का कितना टाइम लगा। देखो फर्स्ट जर्नी में टाइम लगा 10, इस जर्नी में टाइम कितना लगा? 60। इस जर्नी में टाइम कितना लगा? 16। ऐड कर दो आंसर, 86 सेकंड लगा। फिर कहेगा ठीक है यही आंसर है, बस हो गया, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन तो हो ही गई। कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? क्लियर है ऑनलाइन वाले? ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये अपलोड कर दूंगा अभी मैं, कोई टेंशन नहीं, इसकी आप टेंशन मत लो। आप अगर ये सोच रहे हो ना मैं नोट्स बनाऊंगा और नोट्स बना के मैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊंगा और मैं सिलेक्शन होगी, कई आए कई गए, नहीं होती। मेरे से ले लो नोट्स, मैं तो बना बना के दे रहा हूँ, बोलो और इसकी भी दे दूंगा और बोलो। जिस किताब से लिए किताब परचेज लो, 550 रुपये की किताब है वो ले लो, लो नोट्स बन गए। नहीं होएगा, नहीं होएगी सिलेक्शन, नहीं आएगा रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ। अभी कल ही मेंस का रिजल्ट आया है, बच्चा वही निकलेगा। मतलब कई बार तो ये होता है, तेरे तू भी निकल गया यार, तेरे कैसे इतने आगे परसेंटाइल? एक लड़के के 98.2 है, लोग पूछे तेरे कैसे आगे भाई? वो कहता जी मैं तो बेसिक ही पढ़ता था, मैं तो हाई फाई बात तक की नहीं पूरे साल, दो साल मैं तो बेसिक ही करता गया, बस बेसिक कराया, उसमें से आगे परसेंट, खत्म हो गया काम। अब जो आप जिसका देखो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, पता नहीं क्या कुछ कर बैठे। आप कूल आराम से, आप अपना बेस बहुत स्ट्रांग रखो, आपको पता हो कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम में मुझे ये लगाना है, राइट? तो आप नए नए क्वेश्चंस पे अपनी टेक्निक अप्लाई करो और वहाँ पर ट्राई करके देखो क्या मेरे आंसर्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको किसी नोट्स की जरूरत थोड़ी ना न्यूमेरिकल में। नोट्स का काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, नोट्स की आपको टेंशन थोड़ी ना है। अगर आपको टेस्ट की तैयारी भी करनी है तो मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, पढ़ लेना वहाँ से, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आधी सॉल्व शीट तो देता ही हूँ, अनसॉल्व्ड हेरी प्रॉब्लम वो है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अब मोशन वांडी के अंदर आपको क्या लगता है, क्वेश्चन किए हुए दूंगा, बना लो जाओ रटाओ नोट जो रखे, मैं नए क्वेश्चन दूंगा यार, 10 क्वेश्चन जो मैं नहीं देने हैं तो नहीं दूंगा ना। अब जब नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको प्रैक्टिस ही होनी चाहिए ना, उसको आप कर भी क्या सकते हो, सही बोल रहा हूँ ना। तो बस फिर तो आप प्रैक्टिस करें, डरे नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये टेक्निक लगी मेरी, ठीक। तो आज नहीं तो कल आपका ये आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, आप टेंशन मत लो। आप 4-5 महीने के बाद मेरी ये वर्ड्स याद रख लो जो मैंने बोले हैं, आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। आप ये पेपर में पढ़ के भी नहीं जाएंगे, आप ये बोलेंगे यार ये तो मैं कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, बस ये वर्ड्स याद रखना मेरे, ठीक। 4-5 महीने के बाद आप ये बोलोगे इस चैप्टर को लेके कि ये तो बच्चों वाले चैप्टर है तो मैं कर ही लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगले 2-3 महीने चल रहे हैं, मतलब सिर्फ ये चैप्टर नहीं है, आगे मोशन इन 2D में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये इतनी 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 प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप यूज टू हो जाएंगे इसमें। कई लोग कहते हैं ना कि कौन सी इक्वेशन लगाएं, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप ही क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। इस क्वेश्चन में डाउट 8th में डाउट है, बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, क्लियर है, रेस्ट से स्टार्ट हुई नहीं तो मैंने यू आर ए ले लिया, एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, 220 इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, ये जर्नी क्लियर है, दो पार्ट ऑफ जर्नी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड, 9 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ। अब वेलोसिटी बताने के लिए यू तो निकालना पड़ेगा, ए तो निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले ए बी लेते हैं, ए बी पोर्शन के लिए एस 200, यू इंटू टाइम कितना है 2, हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। फिर उसके बाद पोर्शन ए सी लेते हैं, ए सी पोर्शन, ए सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी सेम ही रहेगी यू, नहीं तो फिर अपने को यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने ए सी ले लिया, ए सी के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 200 और 220, टोटल टाइम कितना हो गया 2 + 4 6, यू इंटू 6, हाफ इंटू ए इंटू 6 स्क्वायर। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से ली, वहीं से ली यू, दोनों केस में, फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली हमने क्या कर लेना है, सॉल्व। मैंने नहीं किया, आप करेंगे, यू आर ए आएगा, यू आर ए आ गया। आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, 9 सेकेंड बाद, अप्लाई कर लें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी इनिशियल 66 है, एक्सेलेरेशन कितनी है -4 है, टाइम कितना है 9, आंसर आ, यू आर ए का खेल है, उसके बाद आंसर आ ही जाएगा। वो तो कॉन्सेप्ट 9th वाला है, वो तो डिस्टेंस में लगता है, वेलोसिटी में थोड़ा लगता है। वेलोसिटी में तो वैसे भी 9th और 9 में कोई फर्क नहीं, जब वेलोसिटी निकालते हैं डिस्टेंस में फर्क है, एस 9th और एस 9 में फर्क है, वी 9th और वी 9 में कोई फर्क नहीं, ठीक। समझ में आया यहां तक, अब थ थ थ के चक्कर में हर जगह वीथ फॉर्मूला नहीं बनाने वाले, अब वी बस बहुत है, इतने फॉर्मूले इसी को संभाल लो, बहुत है, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट पुराना है, ये देखो, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्वाइप 10 मीटर इन 3rd सेकेंड, एस 3rd गिवन है 10, तो एस 3rd का फॉर्मूला 10 यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है ना। और दूसरा क्या गिवन है, 12 मीटर इन 5th सेकेंड, तो 12 मीटर इन 5th का मतलब यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यू एंड ए। फिर आपको क्या निकालना है, ए डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, ये वही नहीं है जो पहले पहला क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब नेक्स्ट 3 सेकेंड की क्या स्टोरी थी, कि शुरू से लेके यू आर ए निकाल लिया, टोटल एस 8 का डिस्टेंस में से एस 5 का डिस्टेंस माइनस, एस 8 टोटल कैसे निकलेगा, यू 8 प्लस हाफ इंटू ए 8 का स्क्वायर, एस 5 कैसे निकलेगा, यू 5 इंटू हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर, यू आर ए पता है आंसर, ठीक। और ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल 8th सेकेंड क्या होगा, एस 8 का फॉर्मूला लगा लो, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट शीट कौन सी है हमारी, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव शीट थी, है ना, ऑब्जेक्टिव शीट थी एक शायद, की है नहीं की ट्राई, बस इतने में ढेर, 10 क्वेश्चनों में ढेर, ये तो वही बात होगी, जाना दिल्ली था पंचकूला से, अभी घर से बिठाया, अभी तो चौंक भी नहीं आया था, आपने कहा दिल्ली का बारी है यार, थक से गए भाई, अभी तो यहाँ शहर से निकले भी नहीं हो, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिजिक्स की स्टार्टिंग तो फोर्स एंड वर्क पार से मानी जाती है, ये तो इसके बेस बिल्डिंग चैप्टर्स हैं,
ये तो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं क्रिकेट से पहले होते हैं, लोग ग्राउंड में भाग रहे होते हैं, ग्राउंड में भाग रहे हो आप अभी, अभी तो मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, और मैच की स्टार्टिंग इसके ऊपर बेस्ड है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, उतना ही आप बढ़िया काम करेंगे। स्लो है आपकी, आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन करने चाहिए मेरे को लगता है, कम है एक शीट में क्या, एवरेज वेलोसिटी के 4 क्वेश्चन थे, रहे कितने 5 क्वेश्चन, तो नेट ना निकले, या बोल दो सिर्फ एनसीईआरटी करनी है बस, जी इतना ही बहुत है, नहीं वो भी नहीं करना, कुछ करना भी है ज़िंदगी में तो ठीक करो ना यार, होमवर्क करके आओ, सही नहीं है, कम है आपकी कैपेसिटी। कितनों कितनों लोगों ने की है, 1, 2, 3, 4, ठीक है आप पूछो, बाकी जनता भरपूर फ़ायदा उठाएगी इसका, ठीक। नेक्स्ट पूछो, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट हो गया, गुड। 2 में डाउट, 2 में पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम बताना है, तो एक्स लो, एक्स को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगी वेलोसिटी। ओ यार गड़बड़ कर मैंने गड़बड़ कर दी यार, ये आंसर कैसे आ गया मेरा, इसका गलत किया मैंने, चलो मैं फिर से कर रहा हूँ इसे, समझाया मैंने क्या गलती की इसमें, हाँ बोलो क्या गलती की, मैंने यार मैं v आएगा, एक स्टेप बीच में रह गया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उसके बाद a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चलो कोई बात नहीं तो यहाँ कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ये देखो तो x इज इक्वल टू कितने है? बोलना जरा, a ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ओके पहला स्टेप v इज इक्वल टू क्या डी एक्स बाई डी टी, तो एक काम करेंगे d बाई डी टी ऑफ a इंटू टी स्क्वायर माइनस बी इंटू टी का क्यूब कर लेंगे, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a कांस्टेंट आ गया, d बाई डी टी ऑफ क्या आ गया टी स्क्वायर आ गया, b कांस्टेंट आ गया, d बाई डी टी ऑफ क्या आ गया t का क्यूब आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू ये क्या आ गया 2t, b इंटू ये क्या आ गया 3t स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 2at माइनस 3bt स्क्वायर। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होती है dv बाय dt, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ वेलोसिटी की जगह क्या आएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू क्या आएगा 2a कांस्टेंट है, dt बाय dt 1 है, 3b इंटू 2t, राइट डिफरेंशिएट कर लोगे वो, अगर एक्सेलेरेशन कब 0 होगी तो 0 इज इक्वल टू 2a माइनस कितना आएगा 6bt, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी 2a डिवाइडेड बाय 6b, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा a अपॉन 3b आंसर, कुछ नहीं करना एक्सेलेरेशन निकालनी है कैलकुलस से, उसके बाद क्या करते रहे इक्वल टू 0, कोई डाउट इसमें मैं ठीक करके डाल दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी, फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है, पक्का डाउट है। तो देखो पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन मान लो ए है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या लगेगा एक कॉन्स्टेंट के, कांस्टेंट के लगा लिया तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया के इंटू एक्स, क्या निकालना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, देखो ना वी फॉर फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी तो पहले एनर्जी कितनी थी हाफ एम यू स्क्वायर, तो लॉस क्या होगा दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, यही निकालना है मुझे, हाफ एम कॉमन आ गया तो क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई डाउट इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर मैं इसकी वैल्यू बता दूं तो आंसर आएगा इसकी वैल्यू में निकालनी आती है कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर रिटार्डेशन है तो साइन क्या लगाया माइनस, तो माइनस है तो ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस के एक्स, क्योंकि ए तो निकाल चुके थे के एक्स ये ना, तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ गया माइनस टू के एक्स स्क्वायर, इस टर्म को उठा के यहां पुट कर दिया तो ये टर्म आ गई, तो
काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, उसने वैल्यू नहीं पूछी, प्रोपोर्शनल पूछा है, कॉन्स्टेंट को वापस हटा दो तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर, चेक करो एक्स स्क्वायर इज द आंसर। आपको फॉर्मूला नहीं बताना, बस ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक कि कैसे आपने सोचना है इसमें, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सुनते ही पता लग रहा है कैसे आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू टू ए एक्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप लिखेंगे नहीं है, अपने मन में आपको पता होगा। मेरे को अगर आप ये क्वेश्चन दोगे ना, लिखूंगा थोड़ी ना, मेरे को पता है यार काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम तो कांस्टेंट है, बस मुझे ये चाहिए होगा, अपने मन में रख लूँगा ये, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एक्स, ए इज के एक्स, एक्स स्क्वायर, डन। जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट दो लाइन में हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी आप यू विल टेक टाइम, ईजी। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियली कोई भी बड़ी गाड़ी, बड़े जहाज है, बड़ी गाड़ी है, कोई भी बड़ी चीज़ है, उसको चलाना मुश्किल होता है, बड़ा सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है, इसको चलाना मुश्किल है शुरू में, बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा आपकी, आपको शुरू में तो लगेगा यार कुछ मतलब एक कुएं की तरह मैं एनर्जी लगाई जा रहा हूँ, निकल कुछ नहीं रहा मेरे से बाहर, मतलब रेगिस्तान में वो था बंजर ज़मीन है, खोदी जा रहा हूँ खोदी जा रहा, कुछ नहीं निकल रहा उसमें से, ऐसा लग रहा है सारी ज़िंदगी लग रहा हूँ तब भी निकलेगा। 3 महीने ऐसा ही लगेगा आपको, आपको कुछ महीने के बाद जो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे उनको फिर आगे नज़र आएगा कि नहीं यार ठीक है अब गाड़ी चली है मेरी, और कुछ लोग जो हिम्मत ही छोड़ जाएंगे वो बंजर ज़मीन में खड़े रहेंगे वहीं पर, वो कहते हैं यार वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, ऐसा ही होगा। तो आप इसको जितनी जल्दी क्रॉस करना चाहते हैं उसका तरीका बताया मैंने, आप प्रैक्टिस करें। आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है कोई चीज़, आप एक दिन पहले रिकॉर्डिंग सुन के आएँ, लॉगिन आईडी आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, चाहे प्लीज़ सेंड मी, किया था किसी ने इस बैच में, दूसरे बैच में किया था मुझे, वैसे हम डिस्प्यूट कर ही रहे हैं, लास्ट ईयर के लॉगिन आईडी ले लें, ऑप्शनल है, मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है, आप प्लीज़ लास्ट ईयर के लेक्चर सुन के बैठ जाएं, आप एक दिन करके देखेंगे ना आपका जो सोचने का लेवल है ना वही चेंज हो जाएगा, ईजी लगेगा आपको, बहुत वेरी ईजी फिजिक्स। चलो वेक्टर में करके देख लेना, अब वेक्टर स्टार्ट होगा ना नया चैप्टर, आप वेक्टर के 2 लेक्चर एडवांस से सुन के बैठ जाओ, आपका पेन सबसे पहले क्लास में चलने वाला है, करके देख लेना ट्राई, 100% कह रहा हूँ। लोग तो सोच रहे होंगे सुन रहे होंगे वेक्टर कैसे करना है, आपको पता है वेक्टर कैसे करना है, एक स्टेप आगे हो जाओगे, ऐसे काफ़ी लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6 में बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर सेमी सर्कल पाथ है, सेमी सर्कल तो उसकी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, पाई आर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2r, r से r कैंसिल, पाई क्या है, 22/7 आंसर, ठीक है, ठीक है। 6th के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7th में बॉडी फिर रेस्ट से स्टार्ट हुई, u इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकेंड, चौथा सेकेंड थर्ड सेकेंड, 0 0 a बाई 2, 2 × 4 − 1, 2 × 3 − 1, डिवाइड आंसर। क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूला यूज करना है इसमें, एस ऑफ 4th का एस ऑफ 3rd का, राइट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8th में पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए बॉडी एक्सेलरेट करती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू 0, इफ इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ एस वन इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है एस वन, एंड डिस्टेंस ऑफ एस टू इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, एस टू इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो आपको एस वन एस टू में रिलेशन निकालना है। तो इस केस में एस वन की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर, राइट, और टोटल डिस्टेंस अगर ये तो इसके लगाया, अगर मैं शुरू से पूरी जर्नी लेता हूँ तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस वन प्लस एस टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 हाफ इंटू ए इंटू टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 10 + 10 कितना, 20। शुरू से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि शुरू में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मुझे, इसलिए, ताकि मैं यहाँ वेलोसिटी ना निकालना चाहता। क्लियर है यहाँ तक, तो पहले एस वन फिर एस वन प्लस एस टू, 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड करेंगे हाफ ए हाफ ए कैंसिल, एस वन बाई एस वन क्या है 1, एस टू बाई एस वन कट कटा के क्या आ गया 4, 1 इधर चला गया तो कितना हो गया 3, तो एस टू इज इक्वल टू 3 × S1 इज द आंसर, राइट। तो आइडिया समझ में आया,
कि कैसे आपने ये क्वेश्चन करना है। हो सकता है आप ना भी होते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काइनेमेटिक्स इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई करेगा, बट क्योंकि कैलकुलेशन भी चाहिए यार, दिमाग भी चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या लगानी है क्वेश्चन ये भी सोचना पड़ेगा, आसान तो नहीं है शुरू शुरू में, बट हाँ इतना बोर भी नहीं है, जिसको मज़ा आ रहा है वो ट्राई तो करोगे। अच्छी एक और पढ़ाए, नाइन्थ क्वेश्चन हमने किया, अच्छा ठीक है फिर से करते हैं, पत्थर फिर गिरेंगे, आवाज़ फिर कुएं में चलते हैं, फिर कुएं में जाके आवाज़ सुनते हैं, पत्थर गिरे, पत्थर गिरा पानी तक गया, आवाज़ आई, टोटल टाइम 2.05, लास्ट टाइम किया था, तो पत्थर जब नीचे गिर रहे 19.6, तो पत्थर के नीचे जाने का टाइम कितना है, एस 19.6 इज़ हाफ ज़ीरो, यू ज़ीरो है, हाफ इंटू 80 स्क्वायर, यहाँ से टाइम आ गया, तो पत्थर 2 सेकंड में नीचे जाता है, फिर 2.0 सेकंड आवाज़ ऊपर आती है, तो आवाज़ का ऊपर आने का टाइम कितना हुआ, दोनों को क्या कर लें, माइनस 0.05 सेकंड, फिर आवाज़ जो साउंड है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो इक्वेशन क्या लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज 19.6, वेलोसिटी और टाइम 0.05 से आंसर आ गया। साउंड की स्पीड वैसे भी अगर ऑप्शन देखें -5 तो हो नहीं सकती, 2 और 3 भी नहीं हो सकती, बनता ही 392 है, इतनी बड़ी स्पीड होती है साउंड, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, आपके पहुँचते 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 मेरे ख्याल से अगले दिन पहुँचेगी, लेक्चर दे रहा हूँ तो, कैसी 392 और 5 में कितना फ़र्क होता है, देखो तो सही पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे आपने सोचना है इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ पक्का डाउट डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में ये तो करेंगे, जो एक्सेलरेशन है इज गिवन बाय -s ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ओमेगा एस इज अ कांस्टेंट, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, कैलकुलस, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डीटी, डीटी कहां चला गया, राइट साइड पे, इंटीग्रेशन याद है, अब इसे क्या करें, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन, 1 डीवी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी, माइनस एस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, तो क्या बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी डीटी, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डीटी क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी, एक शॉर्टकट करवाया था, टी के कोफिशिएंट को चाहे नीचे लिख दो, याद आ रहा है, इंटीग्रेशन फिर से साइन ऑफ ओमेगा टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या करवाई थी, इसकी इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट, डीटी बाय डीटी क्या है, 1, तो सिर्फ ओमेगा बच गया, हाँ या ना, ठीक है ठीक है, तो आपके पास ये टर्म आ गई इंटीग्रेशन से, ओमेगा से ही ओमेगा कैंसल, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी क्या होती है, डीएक्स बाय डीटी, आपको एक्स निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, एक्स, एस ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय वो डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, एक्स, सारी गेम किसकी है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा है, देखो इंटीग्रेशन ठीक है तो ये भी ठीक है, जब ये चैप्टर ठीक है, मोशन 1D ठीक है तो मोशन 2D भी ठीक है भाई, 1D तो 2D 1D से बना हुआ है, तो आप ये लिंक है सारे का सारा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है कह रहे हो तो ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट, लास्ट टाइम किया था ये क्वेश्चन, बॉल को नीचे गिर रहे हैं, एक बॉल एच मीटर नीचे गिरती है टी टाइम में, एच मीटर टी टाइम में, रेस्ट से बॉल गिरी तो यू इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन टी बाय 3 सेकंड, तो टी बाय 3 सेकंड में हवा में कहीं होगी, तो पहली इक्वेशन एच इज इक्वल टू 0 + ½ gt² पूरी जर्नी के लिए, ये जर्नी के लिए एच डैश इज इक्वल टू 1/2 × g × t/3 t² / 9, 1/2 gt² क्या है, h, तो क्या बना, h/9, अब h मैंने आंसर तो था नहीं क्योंकि मैंने अपनी हाइट ऊपर से निकाल ली, नीचे से हाइट क्या होगी, h - h/3, क्या आएगा यहां पर,
एच माइनस एच बाई नाइन क्या आएगा, एट एच बाई नाइन फ्रॉम ग्राउंड। ऑप्शन में था ही नहीं क्योंकि एच बाई नाइन ऑप्शन में होता, लगा देता हूँ, था ही नहीं तो है एच बाई नाइन है कहाँ है, पहला फ्रॉम द ग्राउंड है ना, पर मैंने तो फ्रॉम द टॉप निकाला तो ऑप्शन बैठेगा ही नहीं। या तो होता है एच बाई नाइन फ्रॉम टॉप, फिर होता ग्राउंड से तो है ही नहीं एच बाई नाइन, तो मुझे माइनस करके एट एच बाई नाइन करना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें, तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? लैक ऑफ प्रैक्टिस चेहरों पे दिख रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत साल से पढ़ाता हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ और मैं ये भी देख पा रहा हूँ आगे खतरनाक जो है आपकी गाड़ी चलने वाली है अगर ऐसे चलेगी तो, तूफान आने वाला है मैं बता रहा हूँ, इसको संभाल लो। दो ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला सिर्फ 3 महीने पहले, ये 3 महीने जो चल रहे हैं ना, पहला महीना नहीं, फर्स्ट मंथ इजी मंथ, चैप्टर इजी थे ना, ये मंथ सेकेंड मंथ थर्ड और फोर्थ मंथ, ये 3 महीने जो निकाल गया ना, मेरी स्टेटमेंट याद रखना, उसको नॉन मेडिकल कुछ नहीं हो सकता, वो आराम से खेलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो, ये 3 महीने जिसने तैयारी कर ली ना उसको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि अगली 1.5 साल इसी की रेपिटेशन है, बार 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 इसी को रिपीट करे जाना है। पर अगर ये खराब हो गया ना तो रिपीट किसे करोगे, रिपीट तो उसको करते हैं जो एक बार कर रखी होती है चीज़, जो कर नहीं रहे उसको क्या रिपीट करोगे। ठीक, कुछ बच्चे अच्छे हैं मैं बता रहा हूँ, आप में से भी और उस बैच में से भी बहुत सही तरीके से काम करते हैं और फटाक देके आंसर भी निकालते हैं और क्वेश्चन सारे ट्राई करते हैं और आगे की कई रिकॉर्डिंग भी सुन चुके हैं, तो आगे चल रहे हैं। तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी तो स्कूल वाला नहीं बुला रहा कि चलो 8 से 2 आओ, अभी तो सोचो जिस दिन स्कूल शुरू हो गया क्या हाल करोगे, अब तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी तो फिर टाइम है, इसको करो अच्छे से। हो गया स्कूल स्टार्ट, ठीक ठीक है यहाँ तक, ओके। कैसे अगर तो फिर क्या हो गया, यहाँ टी बाई फोर करते टी स्क्वायर बाई 16 आ जाता, ऐसे तो कर सकते हो पर देखना जो मैच हो गया ठीक है, जो मुझे ट्रिक यूज करो, मना तो है नहीं, ओके ठीक है। अब एक और पार्ट ऑफ इसी के अंदर आखिरी पार्ट है, मोशन का आखिरी पार्ट जो मैंने करवाया नहीं था, लास्ट टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे, थोड़े इजी क्वेश्चन करवाए थे, आज का लेक्चर जो बचा हुआ घंटा है वो किसी और लेवल पे चलेगा, क्योंकि अब हम गाड़ी को सिर्फ सड़क पे चला रहे हैं, अब हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेंगे। आप बोलोगे पत्थर किया हुआ है, पत्थर तो कई ऊपर फेंक लिए, ध्यान से अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। शीट नंबर हमने कौन सी कहाँ से की थी हमने, हाँ ये रहा शीट नंबर 10, शीट नंबर 10 देखो, तो देखो शीट नंबर 10 के अंदर, शीट नंबर 10 में टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कुछ नहीं करना, हमारी जर्नी इस, अब इस केस में एक्स एक्सिस में नहीं होगी, कैसे होगी, वाई में होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, या तो मैं पत्थर को अंडर ग्रेविटी नीचे फेंक दूंगा या मैं ऊपर फेंक दूंगा, सिंपल, या मैं ऊपर फेंकूंगा या मैं नीचे फेंकूंगा, राइट। तो उस केस में मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला एग्जांपल है, अगर आपके पास ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ड्रॉप किया तो 98 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, कितने समय में बॉल नीचे गिरेगी, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने कई यूज भी किए, सिंपल अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू क्या रखेंगे, 0, हाफ इंटू एक्सलेशन कितनी, प्लस 9.8, क्यों, क्योंकि आप बॉल को नीचे घेर रहे हो, नीचे घेरते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, जब आपने इनिशियली बॉल को घेरा था उसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर नीचे आते हुए इंक्रीज, तो एक्सलेशन है प्लस 9.8 इंटू टी का
स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, टाइम आ गया, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक, एक आंसर आ गया आपके पास, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, हाँ या ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अब एक और टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है, ये वाली बैलून वाली प्रॉब्लम है, जरा इसे ध्यान से देखते हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन को हमने ड्रॉप किया एट अ हाइट ऑफ 96 मीटर अबव द ग्राउंड। तो स्टोन को हमने ड्रॉप किया और कितने मीटर से ड्रॉप किया, 76 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड? देखो ये अब थोड़ा ध्यान से सुनने वाली चीज है, ये ध्यान से सुनने वाली चीज है, देखो कैसे। आर्यवीर में सरगम में, देखो मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर देना। मैं यहां खड़ा हूं और मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिर दिया, ड्रॉप किया, ड्रॉप किया, ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, जीरो, कोई डाउट इसमें? ड्रॉप के अंदर यू इज इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा अब ऐसा करते हैं, मैं इस फिर से ऑब्जेक्ट को घेरूंगा, इस बार लेट अस सपोज मैं ऊपर उड़ रहा हूं, सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ रहा हूं और मेरी स्पीड कांस्टेंट है 100 मीटर पर सेकंड, और मैंने ऊपर उड़ते 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 इसको सिर्फ ड्रॉप किया था, फेंका नहीं था, ड्रॉप किया था, तो इसकी इसका क्या होगा सोचो? नहीं, इसका ये मैंने छोड़ दिया उड़ते हुए, अब ये कहां गिरेगा, इमीडिएटली नीचे गिरेगा या कुछ देर ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा? क्या ये सीधा नीचे गिर जाएगा? बहुत तेज कोई रॉकेट उड़ रहा है, मैं रॉकेट में बैठा हूं, रॉकेट ऊपर उड़ रहा हूं, मैं भी चलते हुए रॉकेट में से मैंने बस ऐसे ड्रॉप कर दिया नीचे आसमान से ऐसे, तो ये इसका क्या होगा, कहां गिरेगा, नीचे कि ऊपर? ऊपर जाके नीचे, कितने लोग एग्री करते हैं ऐसा होगा? कुछ ही चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, ऐसा लगता है आपको? अगर ये नहीं लगता तो पहले लगवाओ, सोचो, क्योंकि अगर ये नहीं सोच पा रहे क्वेश्चन है सॉल्व करोगे। अच्छा फिर से मैं यहां खड़ा हूं, ये मैं गिर रहा हूं इसे, और ये कहां गिरेगा, नीचे, कोई डाउट? ठीक है सही है, कोई ऊपर नहीं गया देना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इसे अब देखो मैं भागूंगा और मैं भागते हुए इसको सिर्फ ड्रॉप करूंगा, आगे गिरा आपको, आप भाग रहे थे ना, आपने आगे किया, हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूं मैं भाग रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मेरी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो हाथ में जो सेल है इसकी स्पीड भी, स्लो मोशन में देखो मैं भाग रहा हूं, इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है। अब जब ये 10 मीटर पर सेकंड है और मैंने ड्रॉप कर दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इनर्शिया, सुना इनर्शिया मतलब ये थोड़ा मोशन में रहेगा, हाँ फिर ये नीचे गिरेगा। अब इमेजिन करो यही सिचुएशन अगर ऐसी है, मैं ऊपर जा रहा हूं और ऊपर ऊपर जाते जाते मैंने इसको बहुत तेज ऊपर जा रहा हूं, इसको छोड़ दिया, ड्रॉप किया, अब क्योंकि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 100, तो ये सेल भी ऊपर जा रहा था विद स्पीड ऑफ 100, छोड़ते ही इसकी स्पीड कितनी थी, 100, कहां, ऊपर, मेरी स्पीड लेके उतरेगा ये। अच्छा और बेटर, मैं कार में जा रहा हूं, कार की स्पीड है 100, ये सेल कार में पड़ा है, बोलो इसकी स्पीड कितनी है, 100, भाई मेरी स्पीड 100, कार की स्पीड 100, सेल की स्पीड भी 100, इसका मतलब अगर मैंने इसको चलती कार में से ड्रॉप भी कर दिया, भाई कार की स्पीड तो फिर भी है ना इसके पास 100, तो कुछ देर तो ये भी देखो निकलते ही तो एकदम जीरो पे नहीं आएगा भी, अच्छा ठीक है कार तुम चल मैं तो जीरो पे आ गया, भाई कार की स्पीड लेके निकला है ना, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो आगे जाएगा ना, हाँ फिर अपनी जर्नी नीचे करेगा। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो, सही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब भी कोई चलती हुई चलते हुए ऑब्जेक्ट में से, इवन जब बॉम्ब भी गिरते हैं ना, जब कोई लड़ाई हो कहीं पर भी, तो उसमें जब बॉम्ब गिरे जाते हैं तो ऐसे थोड़ा गिरे जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है ये फाइटर प्लेन आया, उसने कहा अच्छा ये इसको ओके ठीक बॉम्ब गिर दिया ठा नीचे, ये ऐसे होता है
कमाल है, ऐसे नहीं होता। ये फाइटर प्लेन है, इसको पता है कि इसकी स्पीड मान लो 2000 मीटर पर सेकेंड है, बहुत स्पीड पे जा रहा है। अरे बॉम्ब तो इसके अंदर ही पड़ा ही है ना, इसकी स्पीड भी 2000 है। अब गिरते नीचे थोड़ा गिरेगा, ये बॉम्ब स्पीड लेके निकलेगा 2000। तो मान लो यहाँ पे टारगेट है जहाँ गिरना है, कई किलोमीटर पहले तो बॉम्ब गिर दिया जाएगा, ट्रेजेक्ट्री बनाएगा वो। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ उसका जो होगा, होगा क्या, जैसे ये बॉम्ब निकलेगा यहाँ से छोड़ दिया, इसकी स्पीड भी क्या रहेगी, 2000 ही रहेगी। रॉकेट तो निकल गया, इस बॉम्ब की स्पीड 2000, अब ग्रेविटी है, अर्थ तो खींचेगी नीचे, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, बॉम्ब आगे जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये बॉम्ब आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा, आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये ऐसा पाथ फॉलो करता है, इसको 2D मोशन बोलते हैं, अगला चैप्टर यही है। बट इमेजिन कर रहे हो कि ऐसे क्यों गया, क्योंकि चलते हुए ऑब्जेक्ट में से, चलती हुई बॉडी में से एक ऑब्जेक्ट गिरा है, उस केस में वो ऑब्जेक्ट उस चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी तो एक्वायर करेगा ही करेगा। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब बैलून की सुन लेते हैं, बैलून की यही समस्या है। ये बैलून है, इसमें से आपने एक ऑब्जेक्ट को घेरना है, अगर बैलून ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और आपने एक स्टोन को बस यहां पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, आपने स्टोन को यहां पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो जब आपने स्टोन को यहां पे ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वो किसकी लेके निकलेगा, बैलून की, और बैलून की स्पीड कितनी है, 2। कहां पर, नीचे की ऊपर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो अगर बैलून अगर ऊपर जा रहा था तो ये ड्रॉप, ये जो पैकेट है ये भी कहां जाएगा, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, पर अल्टीमेटली ये गिरेगा कहां, नीचे, हल्का सा ऊपर जाएगा इनिशियल, फिर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए तो ऊपर थोड़ा सा जाएगा। कोई डाउट, इमेजिन कर रहे हो इसे, कोई डाउट इसमें? तो अगर बैलून ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और पैकेट को ड्रॉप किया, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड बैलून के साथ। हाँ, पर वो अलग बात है, वो अल्टीमेटली गिरेगा नीचे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, एक ना रूल बनाना पड़ेगा कि ग्रेविटी के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे। जो ग्रेविटी है ना, उसमें वो कॉन्सेप्ट लगता कैसे है। तो वो ग्रेविटी के किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या रूल बनाना है, ग्रेविटी के क्वेश्चंस के अंदर आप रूल ये बनाएंगे कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, यू, अपवर्ड है, ध्यान आगे, ये मिस कर दिया खिचड़ी पक जाएगी, पागल हो जाओगे देख देख के कि हुआ क्या मेरे साथ। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर है, तो ऊपर की डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं, नीचे की डायरेक्शंस नेगेटिव है, खत्म, सिंपल। जैसे अगर मान लो मैं ये केस लेता हूं, जैसे सपोज करो ये एक टॉप ऑफ टावर है, एक टावर पे चढ़ के मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहां गिरा, ऊपर गिर दिया। तो मैंने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर गिरा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है, कहां है, ऊपर, अपवर्ड्स। और अगर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो सिंपल, ऊपर की डायरेक्शंस क्या मानी जाएंगी, पॉजिटिव, और नीचे की सारी डायरेक्शंस क्या मानी जाएंगी, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? यू ले लो, मैंने वी ले लिया, कोई बात नहीं, सिंपल है वो तो, इसको वी लेना है वी ले लो, यू लेना है यू ले लो। पर ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है ना, और अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर की साइड एक्शंस पॉजिटिव और नीचे की साइड एक्शंस नेगेटिव। याद रहेगा, भूलना नहीं है रूल, इमोशनल नहीं होना, मन करेगा लेकिन फिर भी नहीं होना, दिखाता हूं कैसे। अगर मैं पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, कहां दिख रहा है एरो, ऊपर, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमेरिकल में इसको पॉजिटिव पुट करेंगे। अच्छा, अब मैं पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
अल्टीमेटली स्टोन गिरेगा कहाँ, ग्राउंड पे ही गिरेगा, हवा में कैसे उड़ता रहेगा, अल्टीमेटली नीचे आना ही आना है इसने, गिरने गिरने, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच। आपको कि एच कैसे, वो ऊपर भी गया और फिर वो नीचे भी आया। देखो ये टॉप ऑफ द टावर है, ये मान लो 3 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे आया और फिर ये बिल्कुल नीचे चला गया। भाई 3 और 3 तो आपस में क्या कर गए, कैंसल, नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाली तो क्या हो गई, 0, और अल्टीमेटली नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिली, सिर्फ एच। 2 मीटर ऊपर गया तो 2 मीटर नीचे भी तो आया, तो वो वाला पोर्शन तो काउंट ही नहीं होना डिस्प्लेसमेंट में, अल्टीमेटली नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, एच ही होगी। कोई डाउट तो समझ में आ रहा है, ये नहीं काउंट होने वाला, सिर्फ यही काउंट होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा इसमें, एच, एच है हाँ, प्लस की माइनस। अब क्या डिसाइड हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड करती है डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है, ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है, ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हुई, नीचे, स्टोन तो नीचे ही गया ना अल्टीमेटली, तो नीचे की जो वैल्यू होगी एच उसको क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। क्लियर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां होती है, नीचे। अब हमने डिसाइड कर दिया क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जी की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। अब यहां इमोशनल पॉइंट है, अरे ये क्या हो गया, ये तो कमाल ही होगी, अभी थोड़ी देर से पहले कह रहे थे कि नीचे आती है ऑब्जेक्ट तो जी पॉजिटिव होता है, अब कह रहे हैं यार जी नेगेटिव होता है, ओ गॉड यार ये क्या है यार, ये है ना कमाल की चीज, हुआ ना कमाल, ये कैसे हो गया यार, आज तक सारी जिंदगी करते आए अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो जी तो पॉजिटिव होता है, ये कह रहे हैं कि जी नेगेटिव होता है, ये कैसे हो गया। इन टाइप की प्रॉब्लम में अगेंस्ट ग्रेविटी जब टॉप ऑफ द टावर से हम किसी चीज को फेंकते हैं, सिर्फ इसके अंदर, आप वो फिर वो वाली प्रॉब्लम जब पहले करते थे, हम पहले भी यही करते थे, वो करके दिखाता हूँ कि पहले जी पॉजिटिव कैसे होता था और इसमें नेगेटिव, ये समझ में आ गया। इसका रूल तो मैंने नया रूल बना दिया कि अगर यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो बाकी सारी चीजें नीचे की तरफ क्या मानी जाएंगी, नेगेटिव। कोई डाउट, तो एच उस हिसाब से क्या हुआ, नेगेटिव, जी उस हिसाब से क्या हुआ, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें, पुरानी चीज को छोड़ो, आ रहा हूं पुरानी चीज पे, ये क्लियर है रूल ओमेगा, क्लियर है, ठीक हो गया ना यहां तक। अच्छा फिर दूसरा केस लेता हूं ध्यान से, हैं फिर ग्राउंड से, ना 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 पहले टावर को फेंकते हैं फिर आते हैं, मैं सारे केस ले रहा हूं, चिंता ना करो, जो तुम सोच रहे हो ना मैं उससे ऊपर सोच रहा हूं, कोई केस छोड़ूंगा नहीं, चिंता ना करो, तुम जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लेना, 5 केस हो लेने दो, बोलो तुम, फिर अगर अपने केस बनाओगे तो खिचड़ी पक जाएगी ना यार, क्या तुम्हें ये समझ में आया रूल, मेरे को बनाने दो 5 केस यार, 6वां केस तुम्हारे पास है तुम बता देना, मैं बना के दिखा दूंगा। पहले एक केस क्लियर हो गया, तुम्हारे सारे केस का आंसर दे रहा हूं अभी मैं, एक केस क्लियर है। अच्छा फिर से लगाते हैं रूल, इस बार टॉप ऑफ द टावर से मैंने बॉल को कहां फेंका, नीचे, राइट, इस बार मैंने कहां फेंका, नीचे, तो बोलो क्या डिसाइड करते हैं, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, वो तो उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, तो पत्थर भी नीचे, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड करती है सारे साइंस, इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड करती है सारे साइंस, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे है, अगर आपने नीचे, अगर पत्थर को नीचे फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो नीचे है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का है नीचे वो भी पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी नीचे है तो नीचे की साइड एक्शन पॉजिटिव, तो एच भी नीचे है पॉजिटिव, जी भी नीचे है पॉजिटिव, राइट, कोई डाउट इसमें। फिर देखो तीसरा केस आ रहा हूं, मैं सारे पॉइंट्स पे आ रहा हूं आपके वाले, तीसरा केस है, तीसरा केस है, मैं खुद बनाता हूं ये लो, सपोज ये देखो इसका आंसर दो प्लीज, तीसरा केस है, मैंने टॉप ऑफ द टावर पे चढ़ के एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, अब ना मैंने ऊपर फेंका ना मैंने नीचे फेंका, मैंने तो छोड़ दिया, राइट, तो उस केस में ऊपर जाने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं ना,
ऊपर जा ही सकती, तो सब चीजें कहाँ होगी? नीचे। तो नीचे की डायरेक्शंस पॉजिटिव, राइट? तो अगर नीचे की डायरेक्शंस पॉजिटिव, तो उसमें अगर ये एच है तो वो भी क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव। जी को भी क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव। ये वो केस है जो आप आज तक करते आए हो, क्योंकि आपने इसको हमेशा क्या लिया? जीरो, राइट? या आपने बॉल को नीचे फेंका होगा आज तक, या ड्रॉप किया होगा। आपने वो केस कभी नहीं किया जब बॉल को आपने टावर पे चढ़ के ऊपर फेंका। ये पहला केस आपने किया है प्लस वन में, टेंथ में भी नहीं करते ये। मुझे नहीं पता आप नहीं करते हो ना टेंथ में, ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ यहाँ डायरेक्शन का चक्कर पड़ता है। जब आपने ड्रॉप किया या आपने नीचे फेंका, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फिर तो आप मुझे कह सकते हो कि बॉडी नीचे आ रही है, जी इज पॉजिटिव। हाँ तो ठीक है, जी इज पॉजिटिव। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये क्या हो गया, तो जी तो पॉजिटिव है ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आपका केस भी क्लियर हो गया, आपका केस भी क्लियर हो गया, और मेरा केस भी, मैंने अपने फॉर्मूला अपने साइन कन्वेंशन से ही सारा केस निकाला। अब आपका केस मान लो बॉडी को कहाँ गिरते हैं? ऊपर। अब सोच, जो बॉडी ऊपर गिर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो हम ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो बोलो जब ये बॉडी ऊपर चढ़ गई यहां पे, तो एच विल बी, क्योंकि ऊपर की डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगी ना। जब बॉडी ऊपर फेंक रहे हो, जब बॉडी को फिर से एक बार, जब बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है ना, तो लो ऊपर की डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली बॉल ने मान लो 50 मीटर हाइट कवर की, तो बोलो ये भी क्या? तो ऊपर की डिस्प्लेसमेंट नीचे की थोड़ी ना, ऊपर की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां होती है? अर्थ तो नीचे खींचती है ना बॉडी को, पर हमारी बॉडी कहां जा रही है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां पर? -9.8 माइनस जी। हो गया ना आपका केस भी क्लियर? हम यही करते थे। तो एक्चुअल में मेरे जो साइन कन्वेंशन है, वो सारे केस प्रूव कर सकता हूं मैं। आपने जो ऐसी याद कर रखे हैं बिना साइन कन्वेंशन के, तो हो ही रहे हैं। तो आप इन बॉडीज में तो जो लगाने लगाओ, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होता। आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन जो याद करनी होती है ना, सच बताऊं तो सिर्फ एक ही केस में याद करनी होती है। वो क्या केस है? जब आप किसी भी बॉडी को कहां फेंकते हैं? ऊपर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर फेंकते हैं, बस वहां ये एक साइन कन्वेंशन याद करनी है। अदरवाइज तो आप पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, सब पॉजिटिव लगता है। बोलो, बोल दे हम पे फुल, क्या बना के दिखाएगा? दिखा हाँ, खुद नीचे फेंकें। इनिशियल लॉसिस ऑलवेज पॉजिटिव ना, वही तो डिसाइड करती है साइन। वो तो खुद कह रही है मैं नीचे जाऊंगी सब पॉजिटिव हो, मैं ऊपर जाऊंगी तो सब नेगेटिव। वो खुद कैसे नेगेटिव हो जाएगी? वो कहती है मेरे हिसाब से चलो। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब पूछो जो केस पूछ रहे हैं। सारे केस क्लियर हो गए? सारे केस नॉर्मल है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ये एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसमें ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, और जब ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन अल्टीमेटली बॉल ने गिरना कहाँ है? नीचे। तो नीचे की डायरेक्शन सब नेगेटिव है, तो एच भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव है। ये अजीब लगता है यार, बॉडी तो नीचे गिर रही है लेकिन जी मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया? क्योंकि जी नेगेटिव साइन आपने डिसाइड करेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। क्लियर है? बस ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर ये समझ में आ गया, आराम से बैठो, मजे करो, खत्म हो गया। बोलो, फिर से बोलो। उसमें दो जर्नी है ना, एक ऊपर की और एक नीचे की। हाँ, सिर्फ ऊपर कर लेंगे फिर। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, दो ऐसे नहीं, जाने जाने की, आने की जर्नी बस, एट अ टाइम एक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पूछ लो और कुछ। ठीक है, रूल समझ में आ गया। तो कौन डिसाइड करेगा? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करेगी, साइंस क्या होंगे। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का चक्कर है। देखो कैसे, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन ना लंबा क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर ही याद करेंगे एंड में हम। इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन तो चलो एक दिखाने, साइन कन्वेंशन बताने के लिए होते हैं। हाँ, वहाँ बैठ के कंपटीशन में कौन यार इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कौन? आप सोच रहे हो कि आइए मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको? मैं ना कर पाऊँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व वहाँ बैठ के, तो तुमसे कहाँ सॉल्व होने वाला है? नहीं होता।
क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, क्वेश्चन एबनॉर्मल नहीं आते कभी भी। लेकिन ये चीज़ें क्यों करवाई जाती हैं, ताकि हम साइन कन्वेंशन और अच्छे से सीख पाएँ। तो क्वेश्चन ये है, इस पूरा क्वेश्चन कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार सुनो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, बस साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इक्वेशन सॉल्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे कहने का मतलब, एक बॉडी को मैंने टॉप ऑफ द टावर से ऊपर फेंका द वेलोसिटी ऑफ वी, और वो बिल्कुल ग्राउंड पे नीचे गिरी इन टाइम t1। ठीक, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली गिरी तो नीचे, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या होगी इसमें, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी इसमें, नेगेटिव होगी। टाइम टेकन t1 है, तो अप्लाई करो s ut प्लस हाफ at2। s की जगह क्या पुट किया, माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी इसमें v है, टाइम टेकन t1 है, हाफ इंटू माइनस जी इंटू t1 स्क्वायर। सॉल्व करो, LCM लो, या h को एक तरफ रखो, h बाकी नेगेटिव यहाँ लेके आओ, ये h की इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन नंबर 1। ये मैथ्स है, ये वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है इसमें आपने आपसे करवाना मैंने कुछ नहीं। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? तो टाइम टेकन t1 है। अब वो कहता है कि मान लो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैंने बॉल को नीचे गिर दिया, टाइम टेकन t2 है। अब जल्दी नीचे आएगी बॉल, ऊपर जाने चाहेगी नहीं। अब मेन बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसमें नीचे पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, जी भी नीचे, सब तो पॉजिटिव, नीचे नीचे पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2, केस नंबर 3 कहता है मैंने बॉल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप किया है, बस ड्रॉप किया है। तो अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और टाइम टेकन कहता है t है, तो ये तो आपको केस आता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सेलेरेशन नीचे आने की, ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सब कुछ, h भी पॉजिटिव है, u 0 है, और a भी पॉजिटिव है, तो ये h आ गया। अब आपके पास रिलेशन वगैरह निकालो t1 t2 और t में क्या रिलेशन है। तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 थी, 2 थी और 3 थी, तीनों लिख ली। इक्वेशन नंबर 1 में से t1 को कॉमन निकाल के नीचे ले आओ, इक्वेशन नंबर 2 में से t2 को कॉमन निकाल के नीचे ले आओ, दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो, v एंड v कैंसल, तो ये टर्म आ गई। LCM लो, ये टर्म आ गई, कॉमन लो, ये टर्म आ गई, t1 प्लस t2 कैंसल हो गया, तो ये टर्म आ गई, एक नई इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 है, ये भी है, ये भी h है, ये भी h है, इन दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आ गया। आपने मेथड कोई नहीं करना, कौन करेगा इसे सॉल्व बैठ के, फॉर्मूला लिख लो। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो t किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ t1 t2 होगा, डन। ये इतना लंबी कहानी सी, वैसे साइन कन्वेंशन आनी चाहिए, पर मैथमेटिकल इक्वेशंस इट्स ओके। समझ में आया यहाँ तक? तो अगर ये ऑब्जेक्टिव मेरी शीट में आएगा तो आप सॉल्व ना करना, सीधा लिख देना t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 t2, डन। ठीक है, पर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आई? ठीक है, फिर देखो एक बार, बैलून वाली दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं मिल सकती हैं आपको। क्या सपोज करो एक बैलून है, बैलून कहाँ जा रहा है, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी बैलून, वेलोसिटी छोड़ो, बैलून तो बेचारा जाहिर ऊपर रहा है, उसे नीचे आना ही नहीं। उसमें से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया, पर वो बैलून की वेलोसिटी निकल बाहर निकलेगा, बैलून कहाँ जा रहा था, ऊपर। स्टोन भी कहाँ जाएगा, कुछ इंस्टेंट के लिए ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0 नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बैलून की क्या है, u, इसी भी क्या है, u, बैलून कहां जा रहा है, ऊपर, स्टोन की डायरेक्शन भी इनिशियली ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शंस पॉजिटिव। अब ये वही केस हो गया टॉप ऑफ द टावर से किसी ने जैसे किसी को ऊपर फेंक दिया, अभी किया था ना, तो सारी डायरेक्शंस क्या लेंगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें, राइट? अब डिसाइड हो गया ऊपर की चीज पॉजिटिव। आपको बताना है ग्राउंड पे स्टोन नीचे गिरता है 6 सेकंड के बाद, कवरिंग अ हाइट ऑफ कितनी, 76। तो आपको बताना है कि कितनी वेलोसिटी ऑफ बैलून क्या थी, एक ही बात है, स्टोन की निकाल दो, बैलून की निकाल दो, एक ही बात है इसमें। तो आप एक बात बताओ मुझे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्योंकि ऊपर है, यू तो फिर ऊपर ही है, पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन क्या होगी इसमें, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, नीचे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो जी इसमें क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। और अल्टीमेटली स्टोन ने गिरना कहाँ है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगी इसमें, नेगेटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ऊपर, पॉजिटिव।
ये वही केस है टॉप ऑफ द टावर में चढ़ के किसी स्टोन को ऊपर फेंकना। क्या ये बात समझ में आ रही है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, पुट कर दो एस से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस की जगह माइनस 76, यू की जगह यू, ए की जगह माइनस 9.8, सॉल्व करके यू आ जाएगा आंसर। गेम ही साइन कन्वेंशन की है, जिसने साइन कन्वेंशन कर लिया डन। और मैंने बता दिया आपको हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? फिर देखो, लो लो फिर देखो, एक बार फिर देखो, नहीं आया कोई बात नहीं। फिर बैलून ऊपर जा रहा है, इस बार बैलून की स्पीड नहीं निकालनी, कह रहा बैलून ले लो स्पीड कितनी 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो बैलून की स्पीड 14 है, एट हाइट ऑफ 98 है, एक स्टोन को नीचे गिरा, ये रहा स्टोन। अब स्टोन चलते हुए बैलून से नीचे ड्रॉप किया गया, तो बैलून की स्पीड अगर कितनी है 14, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड भी कितनी है 14, कहाँ ऊपर की नीचे, ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव, राइट। आपको बताना है, और क्योंकि 98 मीटर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो 98 है वो नेगेटिव, क्योंकि स्टोन ने कहाँ गिरना है नीचे, तो नीचे की चीज़ क्या होगी नेगेटिव, एक्सीलेशन भी क्या होगी नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। आपको बताना है कितनी देर में स्टोन नीचे गिरेगा। अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर, एस की जगह माइनस 98, फिर सारी वैल्यू पुट करके आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक आएगी, टाइम निकाल लेना, टाइम आ गया, इतनी देर में स्टोन नीचे गिरेगा, क्लियर है। और फिर वो ये कह रहा है स्टोन जो है ग्राउंड पे कितनी स्पीड से हिट करेगा, तो स्टोन चला था विद द वेलोसिटी ऑफ यू, वी निकालना है, तो पूरी जर्नी में अप्लाई करो वी यू प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की पॉजिटिव और एक्सीलेशन क्या थी इस केस में नेगेटिव। डिसाइड किया था ना कि यू अगर पॉजिटिव होगा, ऊपर अगर पॉजिटिव होगा, तो नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव, तो माइनस 9.8 इंटू टाइम पुट करो आंसर। ये वो टिपिकल चार या तीन चार क्वेश्चंस हैं जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आपको परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गए साइन कन्वेंशन, रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, और इतनी ज़्यादा आती भी नहीं, इसलिए इतनी रिलैक्स, टेंशन स्ट्रेस मत डालना कि यार नए क्वेश्चन में क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, कभी यूज हो जाए तो हो जाए, अगर आ भी गई तो बैलून और टावर वाली प्रॉब्लम में आती है, मैंने दोनों ही करवा दी। तीसरी प्रॉब्लम क्या, क्या मेरे को हेलीकॉप्टर पे चढ़ा दो, मैं फेंक देता हूँ ऊपर चीज़, तो क्या है उसमें, उस जब कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया, पत्थर को टावर से, टावर के ऊपर से फेंक दो, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के ऊपर फेंक दो, बैलून के ऊपर से फेंक दो, हेलीकॉप्टर में से फेंक दो, प्लेन में से, क्या फर्क पड़ता है यार, वो बस यही अगर कॉन्सेप्ट पता लग गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो सब चीज़ें नीचे नेगेटिव है, अप्लाई तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर ही होना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? मुश्किल कॉन्सेप्ट है वैसे ये, अगर किताब पढ़ोगे ना इसे, बुक पढ़ते हो, जो लोग पढ़ते हैं मुश्किल लगता है उनको ये कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं कि अच्छा मुश्किल लगता है, फिर मुश्किल लगा नहीं यार मेरे को, मुश्किल लगना चाहिए था, ऐसा नहीं है। किताब में जब बच्चा पहली बार पढ़ता है ना, वो कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको अपने तरीके से समझाया, किताब तो लिख के समझा रही है ना, तो आप 10 क्वेश्चन पुराने जी पॉजिटिव नेगेटिव से करते हो और एकदम ये क्वेश्चन आ जाता है, तो यही क्या चक्कर है यार, आधी किताब जी पॉजिटिव आधी में जी नेगेटिव, ये कैसे जी नेगेटिव हो गया, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये रूल समझ में आ रहा है, बस इतना ही सफिशेंट है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था एक्स और 60 माइनस एक्स पिछली शीट में अपनी, वही कहाँ टक्कर होगी, रिवाइज नहीं करते लोग, ये शीट्स रिवाइज करते हो सारी घर जाके एक बार देखते हो, अगर आप नहीं देखते ना कुछ नहीं बनना, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं देखते तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये शीट देखा करो एक बार, रिवाइज जरूर किया करो इन्हें। 9.8 की जगह 10 हो सकता है, कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट एच, एक टावर है और जिसकी हाइट क्या है एच है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ यू, तो इस टावर जिसकी स्पीड एच है तो ऊपर फेंक रहे हैं विद स्पीड ऑफ यू, तो यू वेलोसिटी से हमने इसे ऊपर फेंका, किसे, पत्थर को फेंक दिया ऊपर, ओके। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स, तो समय लिया इस स्टोन ने नीचे ग्राउंड पे हिट करने के लिए, तो जो समय लिया इज एन टाइम द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, कह रहे यहां से पत्थर फेंका वो यहां पे गिरा, तो यहां पे जो टोटल समय लगा वो एन टाइम्स है जितना समय उसे यहां से टॉप पे जाने पे लगा, गिवन है पत्थर फेंका, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन इज इक्वल टू एन टाइम्स टाइम टेकन यहां से यहां आने का,
राइट। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो आराम से, पढ़ लो अपने आप, पढ़ लो आइडिया हो जाएगा। खुद पढ़ोगे तभी आइडिया होगा ना। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर एनालाइज करते हैं ना कि है क्या। अब देखो ये प्रॉब्लम करने के बाद सड़क पे चलती हुई कार पे वी इक्वल टू यू प्लस एटी आसान लगता है ना। पिछली चीट एवरेज वेलोसिटी कैसी लगती है अब? लगता है बेकार है यार, लगती है ना। आप दो लेक्चर और रुको, आप कहोगे ये भी बच्चे हैं, ये भी ठीक है ठीक। आप कहोगे ये तो यार आसान है तो मैं कर ही लूँगा, चिंता ना करो। एवरेज वेलोसिटी जैसी फीलिंग आएगी इसको देख के, इतना आसान ठीक है। तो धीरे धीरे हम स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे, नीचे देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा कि हाँ इतनी हाइट कवर हो गई। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन पढ़ना तो फिजिक्स में बहुत बड़ी टेक्निक है। आधी जनता तो क्वेश्चन के अंदर ही मार, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन ही समझ में आएगा सोल्यूशन तो बड़ी दूर की बात है, उसने फिर क्या प्लान। तभी तो फिजिक्स फिजिक्स है यार, ऐसे थोड़ी ना यार लोग कहते हैं कि यार ये कैसे कर लेगा वो चलता बंदा फिरता, मुझे बताओ। इसे पहले तो वो इंग्लिश पढ़ ले, उसकी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए पहले तो, वो एक सेंटेंस तो ठीक पढ़ ले, फिर उसके बाद वो इमेजिन भी ठीक कर ले कि कैसे चीज़ें गिर रही हैं, फिर अपना दिमाग भी लगा ले कि मैं जर्नी को इतने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, कौन सी क्वेश्चन लगाऊंगा, और फिर मैथ भी आता ऊपर से, फिर कहते हैं हाँ फिजिक्स ठीक है ना। देखो हो जाएगी प्रैक्टिस। देखो तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ये फेंका कैपिटल एच हाइट से टावर से किसी ऑब्जेक्ट को, यू नीचे गिरा, टोटल टाइम टेकन जो है इज इक्वल टू एन टाइम जो ये टाइम टेकन है। तो अगर ये टाइम टेकन कितना है, टी है ना, ये टाइम टेकन अगर टी है तो, और जो ये वाला टाइम है ना, जो ये वाला टाइम है वो कितना है, n इंटू टी है। उसने कहा टोटल टाइम टेकन n इंटू टी टाइम है, तो यहाँ से यहाँ जाना का t है, तो यहाँ से नीचे आने का टाइम क्या होगा, इसमें से इसे क्या कर दें माइनस, तो आ गया ना n माइनस वन इंटू टी। चेक कर लो फिर देखो, मैंने कहा अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, टी है राइट, और यहां से यहां आने का टाइम कितना है, एन है, एन इंटू टी है, सॉरी एन इंटू टी है। तो अगर ये टोटल टाइम एन इंटू टी है, उसमें से ऊपर ऊपर जाना टी है, तो बचा हुआ टाइम कितना है, एन एन इंटू टी माइनस टी, कॉमन टी आ गया, तो यह आंसर आ गया। क्लियर है? तो मैंने अपनी जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले ऊपर जाना टी टाइम में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का जीरो होना, और फिर बिल्कुल नीचे गिरना इन टाइम एन माइनस वन इंटू टी। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट ये रिलेशन करेक्ट है, तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, आपको आधी जर्नी ऐसे लगानी है और आधी जर्नी ऐसे लगानी है, सिंपल है। आधी आधी जर्नी लगानी है ना, तो आपको आधी जर्नी तो ये लगानी है और बाकी ये लगानी है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो अगर मैं बात करता हूँ ऊपर की जर्नी की, राइट, ऊपर जाना, ऊपर जाने में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। वैसे भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन वैसे ही नेगेटिव होगी, वो तो नीचे होती है क्योंकि। क्लियर है यहाँ तक? तो इस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए यू कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी क्या हो जाएगा, जीरो, यू पता है एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम आ गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, ये यू बाई जी, कोई डाउट? ठीक है यहां तक? इक्वेशन लगाने में कोई डाउट? ये समझ देखो, इसमें मेन चीज तो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन समझ में आ रही है, कैसे लगाया, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक, अब इसी जर्नी में अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह एच, h इज इक्वल टू जीरो, नहीं सॉरी इस जर्नी में नहीं अप्लाई करना, नीचे की जर्नी में अप्लाई करना चाहिए था अपने को, मैंने h यहाँ के अप्लाई किया, u इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे की मैंने यार, ये कुछ गलत किया है यहाँ पे मुझे लगता है।
हाफ जी टी स्क्वायर, अच्छा वो ये ठीक है, ठीक किया। एक्चुअल में मैंने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया यहां नीचे आते हुए। मान लो ये बॉडी जब नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही है तो स्मॉल एच हाइट है, नीचे आ रही है तो भी स्मॉल एच हाइट है यहां से यहां तक। तो इमेजिन करो कि जब ये यहां से यहां आ रही है तो एच इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। और इन टू टाइम टेकन क्या होगा, टी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे भी लगता है। तो यहां से यहां ये टी है तो ये भी टी है, तो ये क्लियर है। हाँ, मैं यहां भी लगा सकता था ऊपर जाते हुए, पर ऊपर जाते हुए बड़ी क्वेश्चन बनती, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़नी थी। नीचे आते हुए ज्यादा फायदा हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। समझ आया यहां तक? तो एक मैंने जर्नी कहां पे लगाई, एक मैंने यहां पे लगाया ऊपर जाते हुए v यू प्लस ए टी, टाइम निकाला। फिर मैंने इतने पार्ट ऑफ जर्नी में लगाया नीचे आते हुए, h हाइट कवर होती है इन टाइम t, तो जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये रहा, तो किसकी वैल्यू आ गई यहां पर, h के। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आपके पास ये टाइम आ गया, आपके पास ये h आ गया। अब ये बताओ जब ये बॉडी बिल्कुल नीचे उतरेगी, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से बिल्कुल नीचे उतर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। नीचे उतरने में स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, मानते हो? कितने टाइम में, एन माइनस वन इंटू टी टाइम में, राइट? तो इस पूरी जर्नी में आपने अप्लाई किया टोटल डिस्टेंस एच प्लस एच, इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते हुए जीरो, हाफ इंटू जी इंटू टाइम की जगह एन माइनस वन इंटू टी का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहां से स्मॉल एच की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दिया, ये रहा। इसे सॉल्व किया और टाइम को यहां, टाइम को ये u बाई जी यहां से उठा के यहां पुट किया, तो g से g क्या हो गया, कैंसल। तो कैपिटल h एक तरफ, हाफ जी टी स्क्वायर राइट पे ले गए, टाइम को फिर पुट किया, टाइम को फिर पुट किया u अपॉन g यहां पर भी। इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई लंबा स्टेप है और प्रूव हो गया। आप हो गए यार ये क्या है, अब ये भी करने पड़ेंगे, नहीं ये करने नहीं पड़ेंगे, नहीं आएगा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं आता, कंपटीशन कभी नहीं आया, तो फिर क्यों? ये आपका, आपको इक्वेशंस या जर्नी को कैसे ब्रेक करना है सिर्फ ये सिखाता है, ये आपको ये सिखाता है कि आप कैसे क्वेश्चन को रीड करके कैसे आप इसमें प्रैक्टिस करके लगाते हैं। ये इसलिए नहीं है कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, नहीं पेपर में आज तक मैंने आता देखा नहीं इसे। अब मेरे को कहोगे मैं भी शायद 5 मिनट लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये पूरी इक्वेशंस कौन सॉल्व करेगा यार, ये देखो पूरे का पूरा, बट आपको आइडिया समझ में आ रहा। देखो जो आने वाली चीज़ें हैं मैं आपको मार्क करवा रहा था, वो प्रूफ आएगा, है ना, बेसिक आएंगे। जो आने वाली चीज़ें हैं मैं आपको पेपर दूंगा सॉल्व करने के लिए, लेटेस्ट पेपर दूंगा, वो आप पेपर में देखना क्या आएगा, है ना, जो पेपर लेटेस्ट आते हैं वो दूंगा। हाँ, आप बिलीव मी कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और हो जाएगा, आपको आते होंगे, अगर 80% पेपर सॉल्व कर दिया तो ओके है। लेकिन ये बेसिक्स हैं जो आपके बुक्स में गिवन है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, वार्म अप एक्सरसाइज, फिर कह रहा हूँ कि कैसे चीज़ें चलती हैं। मतलब ये स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना कि मुश्किल है, या आएगा ही नहीं पॉइंट। अगर आना होता मैं आपको एक एक स्टेप समझाता, देखा, नोट करो नोट करो, मैंने बोला ही नोट करो, मैं खुद ही नहीं पता यार, मैं तो खुद पता नहीं कहाँ से कैसे मुश्किल सॉल्व किया होगा, मैं तो खुद ही लिख लिख के पागल हो जाऊँगा। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आपको ये समझ में आया कि कैसे पार्ट ऑफ जर्नी हमने क्रैक की इसमें, ठीक है यहाँ तक? ओके, इसको रुको, अभी लंबी प्रॉब्लम है। ये शीट नंबर कौन सी है, 10 थी, 11th हमने की थी शुरू, ये हमने कर ली थी, और ये वही क्वेश्चन है 11th, आज हमने ऑब्जेक्टिव शीट में नहीं किया, माइनस एस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने शीट में कर रखा होगा, चलो ठीक है, यहाँ से दोबारा हो गया। अच्छा, ये भी हाफ जी टी स्क्वायर वाला सेम आज हमने किया, ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ये बड़ी बात नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। वो कहेगा टाइम का डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन है, टाइम का और एक्स का ये रिलेशन है, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक।
क्या निकालना है? रिटार्डेशन। ये एक इक्वेशन है, मैंने कैलकुलस की वीडियो में साफ बताया था कि अगर एक इक्वेशन है मैं दोनों तरफ से डी बाई डी टी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया डी बाई डी टी, मैंने यहाँ पर भी लगा दिया डी बाई डी टी। क्यों लगाया? क्योंकि कहीं ना कहीं डी एक्स बाई डी टी आपको वी देगा, फिर वी को डिफ्रेंशिएट करके ए आएगा। दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दिया, तो ये क्या आ गया? वन अल्फा कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, बीटा कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? देखो ये एक्स स्क्वायर है, टी है, इंपॉर्टेंट है। टू एक्स की पावर वन, पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या दिख रहा है? डी एक्स बाय डी एक्स नहीं दिख रहा, डी एक्स बाय डी टी, इंपॉर्टेंट। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? और ये तो डी एक्स बाई डी टी है ही है। डी एक्स बाई डी टी होता क्या है? वी। तो इसकी जगह वी, इसकी जगह वी, वी क्या आ गया? कॉमन। तो ये नीचे आके वी आ गया, देखो वेलोसिटी कैसी आई है, ना कमाल की चीज़। स्टेप समझ में आया कैसे कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? तो मान लो आप देखो ये सब गेम कैलकुलस की है, इसमें मैं कुछ हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैथ्स है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो और दूसरी चीज़ जो मेडिकल वाले हैं उनको तो इतने ऊपर क्या ही आएगा, डबल डिफरेंशिएशन आती नहीं, उनको सिंगल आती है इतनी। मैथ्स वालों को कैलकुलस वैसे ही मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग है वो, तो ये तो बच्चों वाली चीज़ें, उनके लिए उनको फर्क पड़ता है। प्लस टू का बच्चे को कहोगे ना ये देखेगा भी, एक सेकंड में सॉल्व कर देगा। तो इसलिए आफ्टर वन एंड हाफ ईयर आपका फिजिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलस वाला पार्ट देखना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मैथ्स वाले टीचर करवा देंगे, पर अभी मेरे को बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं आपको जब बताता हूँ आपसे करवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मालूम है वो कैलकुलस मैथ्स में करने के बाद आप अपने आप लगाना सीख जाओगे। तो वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी को क्या करना है एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या आएगी? एक्सेलेरेशन। तो वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ पुट किया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यू अपॉन वी। तो वी इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो ही तो उड़ गया, ये बच गया, टू अल्फा बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स और डी बाई डी टी ऑफ वन, ये देखो फिर किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी। तो ये वी पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? वी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रहा, इस वी की पूरी वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्या बनेगा? क्यू बन जाएगा, राइट। तो ये स्टेप क्लियर है? तो ये क्यू बन गया। अब ध्यान से देखो, 1 बाई टू एक्स अल्फा वन क्या होता है? वी। ये देखो यहां भी ये आ रहे हैं, 1 बाई टू अल्फा एक्स वन का क्यूब, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा? वी का क्यूब। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं शीट आज शायद दूंगा ये वाली, उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव का ऐसा ऑप्शन दिखेगा, पर ये आइडिया क्लियर है कि कैसे ये आपने इसको स्टेप किया। ये रिवाइज करना है आपने सारा, एक एक स्टेप आपको देखने होते हैं घर जाके, ये कैसे आया। आप अगर आप भी यही करोगे हो गया हो गया हो गया, फिर कैसे होगा? आप भी कहोगे हो गया, मैं भी कहूँगा हो गया, फिर हो गया। और अगर मैं कहूँगा कि अभी कर लो तो फिर लेक्चर हो गया, और यही क्वेश्चन हो गया और एक लेक्चर हो गया, ख़त्म, चार क्वेश्चनों में लेक्चर ख़त्म। फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? आज मैं शीट दूंगा आपको करने के लिए, उसमें ये क्वेश्चन होगा, आप फंसोगे, आप इन स्टेप्स को देखना, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस वजह से मैं आपको ज़्यादा वैरायटी दिखा पाता हूँ, नहीं तो इतनी वैरायटी के बिना तो चलोगे कैसे आप? तो चार न्यूमेरिकल के बाद तो पांचवा सॉल्व नहीं हो पाएगा मोशन के अंदर। मेरा काम ही है कि मैं आपको अगले चार महीने में कम से कम नहीं तो 500 से 1000 क्वेश्चन दिखा दूंगा, ऐसा आपका ब्रेन सोया ब्रेन में ना अपने आप काम करेगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। और टेक्निक है ना, बार बार नॉकिंग करता जाऊंगा ब्रेन पे, देखा अभी किया था, देखा ये किया था, देखा ये किया था, बार 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 रेपिटेशन कर करके वो ठीक हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये किया हुआ है हमने। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें टोटल मेडिकल वाले नॉट फॉर मेडिकल यार नहीं आएगा, लिख लो नॉट फॉर मेडिकल, ओनली नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल वालों को भी इतनी टेंशन क्या है, मैथ वाले वैसे ही करा देंगे इन्हें, पर मैं दो मिनट बता देता हूँ। एक्स गिवन है, एक्सेलेरेशन निकालनी है, के और भी कॉन्स्टेंट है, तो नॉन मेडिकल के लोग क्या करेंगे, इसको एक्स लिखें, एक बार क्या करें डिफ्रेंशिएट, क्या आएगी? वेलोसिटी। के और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या है? जीरो। ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ये बच गया सिर्फ, ये बच गया। ई की पावर माइनस बी टी की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? ई की पावर माइनस बी टी,
की पावर x की e की पावर x ही तो होती थी, e की पावर माइनस bt, e की पावर माइनस bt इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस bt, याद है पावर को अलग से करते थे, माइनस b बाहर आ गया, dt बाई डी टी क्या होता है 1, माइनस से माइनस b से b कैंसल, ये टर्म आ गई, तो क्या आ गई वेलोसिटी। स्टेप क्लियर है यहाँ तक, वेलोसिटी को एक बार फिर से क्या किया डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी ऑफ ये टर्म, तो क्या आ गई एक्सेलरेशन। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले हैं? यस यस सर। हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन डी बाई डी टी ऑफ ये टर्म, के और बी कॉन्स्टेंट आ गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस बी टी इज ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी। फिर से एक बार, माइनस बी बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी इज 1, बी से बी कैंसल, आंसर। ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन मिलेगा नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, मेडिकल में इतना हाई एंड मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, मेडिकल में तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से ऊपर तो क्या, बहुत सिंपल आता है मेडिकल, दे दूंगा पेपर करने के लिए, देख लेना मज़ा ही आ जाएगा। नॉन मेडिकल में तो आता है भाई, आप ना इतना सुकून बनाओ कि आपको भी ऐसा आएगा, इससे ऊपर ही आएगा, ऐसे नीचे नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, डी बाई डी टी ऑफ माइनस ई की, ये है ना ई की पावर माइनस बी टी की डिफ्रेंसीशन यही होती है सेम, और पावर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना होता है। माइनस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ये हमने कर लिया था। ठीक है, ये होमवर्क लिखो यार, ये होमवर्क लिखो एक बार, देखना नॉन मेडिकल ओनली प्लीज, ये भी ओनली फॉर नॉन मेडिकल, नॉट फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल लिखो, ये डाउट अगर होगा तो पूछना एक बार। ठीक है, ओके, ये एक क्वेश्चन है, ये रहा ये क्वेश्चन, आज की आज के होमवर्क में भी है, नेक्स्ट आज बनी थी है, ये होमवर्क में भी है, ये 2D की प्रॉब्लम है, वैसे ये दाल मंडी में रखी है। एक लाइन में बता देता हूँ, एक ना लैडर है, ये दीवार है और ये फ्लोर है, एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी ना यहाँ पर टिकी हुई है और ये ना फिसलनी शुरू हो गई, ये एंड यहाँ फिसल रहा है और ये यहाँ जा रहा है। जब ये फिसल रही थी तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली, ये मैंने फ़ोटो लगा दी, फिसल रही है फिर फिसलेगी, लेकिन अभी तो आपको दिखाने के लिए रोक लिया कि देखो ऐसे फिसल रही है। किसी इंस्टेंट पर एंगल क्या बना हुआ था, थीटा, और थीटा कितने के मैंने 30 डिग्री, तो मैंने फ़ोटो किसी इंस्टेंट पर खींची जब एंगल कितना था 30। उस इंस्टेंट पर यहाँ पर जो ए वाला पॉइंट है ये इधर खिसक रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। आपको बताना है कि अगर ए की वेलोसिटी 10 थी तो बी की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर क्या थी। एक कोने की वेलोसिटी 10 है, दूसरे कोने की वेलोसिटी क्या है, ये आपको बताना है। ये आप नहीं कर पाएंगे, ये मोशन इन 2D है, क्योंकि एक्स में भी काम चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। तो एक सीढ़ी जब फिसलती है ना, उसका एक ही स्टाइल है, ये फोटो अगर देख लोगे ना तो कुछ नहीं सोचना ना, कुछ ही सोचना, क्या करना है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना तो पता है जब जो बॉलर है वाइड बॉल फेंक रहा है बहुत दूर जा रही है तो ये सिखाया जाता है आराम से बैठा रहा है, खेलनी नहीं है, बस सेम है, ऐसी फिजिक्स है। आपको टेक्निक पता होती है, अच्छा इस क्वेश्चन का यही तोड़ा है, इस क्वेश्चन में ये तोड़ा है, उसमें ये तोड़ा है। आप अगर ये लगाओगे ना कि मैं ही न्यूटन बन के बैठूंगा पेपर में, फिर तो हो गया पेपर, फिर ना होता पेपर, पेपर तो घर से ही न्यूटन बन के जाना पड़ता है, घर में जो मर्जी मान लो, वहाँ तो बस यही अच्छा हाँ आ गया, ये देखा हुआ है, सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया, पता है क्या करना है, क्या करना है, इमेजिन करो सीढ़ी की लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ही, सीढ़ी की लेंथ एल है, वो कौन सा छोटी बड़ी हो रही है, सीढ़ी तो सीढ़ी है। जब ये नीचे गिर रहा है, बी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वाई, है ना वाई, किसी इंस्टेंट पर वाई है, वाई कम हो रही है लेकिन यहाँ पर एक्स बढ़ रहा है, ए पॉइंट इधर जा रहा है तो एक्स बढ़ रहा है और वाई, ये एक्स एंड वाई आर बोथ वेरिएबल्स, राइट। अगर मैं ये पूछूं एल में एक्स में और वाई में रिलेशन क्या है, पाइथागोरस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो रिलेशन है ही है, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, वाई बढ़ेगा एक्स कम होगा, लेकिन इनका रिलेशन हमेशा सही रहेगा। अपने को एक्स और वाई से क्या करना, अपने को तो वेलोसिटी निकालनी है ना। एक बात बताओ, बी पॉइंट की वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डी वाई बाय डी टी, और ए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डी एक्स बाय डी टी, ऐसे ही करोगे ना, डी एक्स बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी। तो आपको ए पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और ए पॉइंट की वेलोसिटी की कितनी गिवन है 10, तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी गिवन है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, पाइथागोरस लगाओ, इसे टाइम के साथ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी,
डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी. अब कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? जीरो. वाई स्क्वेयर की क्या होगी? टू वाई डी वाई बाई डी टी. एक्स स्क्वेयर की क्या होगी? टू एक्स डी एक्स बाई डी टी. यहाँ से जीरो से टू और टू तो कट गया, उड़ जाएगा, हाँ जीरो से गया, तो क्या बचा? माइनस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी. और डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी ऑफ ए. तो देखो डी वाई बाई डी टी की जगह वी वाई, डी एक्स बाई डी टी की जगह वी एक्स. अपने को वी एक्स की मैंने वी वाई निकालना है ना, तो वी वाई एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ. तो रिलेशन आ गया ना वेलोसिटीज का दोनों का. क्लियर यहाँ तक? तो इस केस में एक्स और वाई की रेशियो देखो, इसी सीढ़ी में टैन थीटा क्या होगा? वाई बाय एक्स. ये रहा, किसी इंस्टेंट पर एंगल कितना है? 30. टैन 30 इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. टैन 30 क्या है? 1/√3. तो वाई बाय एक्स बाय वाई की रेशियो क्या आ गई? रूट थ्री. अपने को भी चाहिए एक्स बाय वाई, इसकी जगह रूट थ्री. वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 10. तो वी वाई आ गया. वी वाई नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वाई डिक्रीज हो रहा है, वाई नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वो नेगेटिव है. एक्स पॉजिटिव में जा रहा था तो वो पॉजिटिव है. तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इसका तोड़ निकलेगा? कुछ नहीं, सीढ़ी की प्रॉब्लम दिखी नहीं. ऑब्जेक्टिव में आज डाला मैंने क्वेश्चन ये, जहाँ सीढ़ी की प्रॉब्लम दिखी नहीं, एल वाई एक्स पाइथागोरस डी वाई डी टी दोनों तरफ, अपने आप वी एक्स वी वाई बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? क्लियर है? तो बस इसी तरीके से ये वही प्रॉब्लम है, बस स्टार्ट्स मूविंग. ये कल ट्रेन वाली, ट्रेन का कंपार्टमेंट का हैंडल पकड़ना था, मैन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भागता है. होमवर्क लिखो, ये सेम है, ये याद है ना लास्ट टाइम की थी, ट्रेन को पकड़ना है फिल्मी एक्टर ने, तो वही है सेम. ये इस बार बस को पकड़ना है, पहले ट्रेन को पकड़ना था. सेम होमवर्क, ये एक बार देखोगे आप एक बार. ये मुश्किल है थोड़ा सा, आप कर सकते हो तो मेरी तरफ से यार ये भी होमवर्क, मतलब ये बढ़िया चीज़ है, अगर कर लो तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है, बच्चा सोचता है कि सर आप कराओ, आप कराओ, उल्टा है, आप करो, पहले आप करो. ये प्रॉब्लम है. सीखोगे कब? जब पहले खुद करोगे. मैंने कर दिया तो मैं आपके ब्रेन को डेड कर दूंगा ना, आपको नई चीज़ सोचने का मौका नहीं दे रहा मैं. तो इसलिए मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ ताकि आप एक बार खुद देख के आओ, देख के आओगे फिर कॉन्सेप्ट आपका दिमाग चलेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहले ये जो होमवर्क है आपने देख के आना है, और शीट दिखाना ऑब्जेक्टिव जो दिए मैंने आपको. ऑब्जेक्टिव शीट है 6, क्योंकि 17 क्वेश्चन है, ट्राई करके आने हैं. यार मैं भी तो करता हूँ, शीट लिख के लाता हूँ. यार क्या तुम्हें भी क्या प्रॉब्लम है? मास्टर तो काम कर रहा है यार, शीशे काम नहीं कर रहा. ठीक है ना, ये भी आपका होमवर्क है, ये एक बार ट्राई करना है आपने. इसके बाद हाँ, हमारे पास ना इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, ग्राफ्स. अगर आप बुक्स में देखें बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ऐसे. ठीक है, तो मेरे को ये ग्राफ्स कैसे रीड करने हैं, बस ये मैंने आपको सिखाने हैं. ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये आपका मोशन इन 1D का टॉपिक है. इसको ये ऐसा नहीं यहाँ ख़त्म है, इसके बाद वेक्टर चलेगा, वेक्टर के बाद मोशन इन 2D चलता है. 2D करने के लिए वेक्टर आना चाहिए, अलजेब्रा है वो क्वेश्चन, अलजेब्रा सिखाते हैं. तो 2D के अंदर ये मोशन इन 1D फिर लगेगा, तो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ये आधा हुआ, आधा फिर लगेगा. तो मतलब और प्रैक्टिस होगी, और तो क्या ही बोलूँगा, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, अपने आप चीज़ ठीक लगेगी. बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, 12:15 एक घंटा डेली यहाँ पे आ जाओ. 10 क्वेश्चन रोज हो गए, बात बन गई. 10 10 10 60 क्वेश्चन एक हफ्ते में बहुत होते हैं यार, पूरी वो बड़ी एस एल रोड़ा की बुक वो पूरी करवा देंगे.